गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो दैनिक क्रिया करता हूँ भक्ति की वो पूरी कर लूँ। रामानंद जी कैसे करते थे, मूर्ति पूजा करते थे लेकिन काल्पनिक करते थे। जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामने बन गई, रोज का अभ्यास था, मानसिक पूजा थी उनकी। और फिर वो क्या करते हैं, स्थूल कैसे कर्मकांड करते हैं ये लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति के सारे कपड़े उतारते हैं, उनको नवाते हैं, फिर नए धोए हुए कपड़े पहनाते हैं और सब तिलक लगाते हैं, गले कंठी एक मनिये की माला डालते हैं, ऊपर से मुकुट डाल देते हैं। और मुकुट डालने के बाद फिर उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। तो रामानंद जी ऐसे कल्पना से कर रहे थे, उन्होंने नए कपड़े पहना दिए भगवान विष्णु को और मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वह कंठी डालनी भूल गए, कंठी अलग दिखाई दे उसने, जैसे स्वप्न होता ना कई बार, वो कल्पना ऐसे करता था। तो कंठी अलग रखी थी, माला, अब माला ना डाला तो पूजा खंडित, और मुकुट उतार दिया उस दिन तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा इस माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूं। अब मुकुट में आकर माला फंस गई, ना जावागे ने, अब मालिक के खेल थे। रामानंद जी बहुत दुखी अंदर से कि हे परमात्मा, आज पहली बार भूल लगी है जीवन में, मेरे से कौन सी चूक होगी, आज मेरे भगवान की पूजा खंडित होगी, क्या भगवान रुष्ट हो गए मेरे से। इतना दुखी हो रहा था तभी भगवान बाहर से बोले कबीर साहब, और पर्दे के अंदर से भीतर वो अपनी मानसिक पूजा कर रहा, बाहर को दिखे भी ना था। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी इसकी गांठ खोल लो माला की, और फिर गले में डालकर भगवान का बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। अब वो किसकी माला उतारे था, कहां उसने मुकुट देखा था, एकदम खटका धक्का सा लगा रामानंद जी को कि कहीं कोई मूर्ति बाहर नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ये को कौन जान सकता है, ये तो सामने परमात्मा खड़े। अपने आत्मा ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। अब एक तरफ तो सारा समाज ब्राह्मण खड़ा, और इज्जत का नाश हुआ कि एक दुल्हे के बालक के से सीने से लगावे, उसकी तो साख मिट्टी में मिल जानी थी, सारा उसका तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था और कोई चेला नहीं रहना था ब्राह्मण उसका, और दुनिया में वो निंदा का पात्र बनना था। एक तरफ तो उसने समाज दिखे था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता, तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पड़दा दूर बगा, और एकदम बाहर आके सबके सामने नो बैठी थी जनता, और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास गति कौन लुख, तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी कह रहे हैं हे परमात्मा, आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है, आपको कैसे भगवान माने या जनता, आप किस तरह रूप में खड़े हो, एक छोटा सा बालक धोती बांधे सिंपल सा, और किस वर्ण में जुलाहे के घर तू वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं मन की माला तुम, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ये तो शिक्षा तुम दी ये मान ली मन मोरे,
गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोर। गरीबदास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया, डोढ़ी पड़दा दूरे कर वो लीना कंठ लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा ब्राह्मण समाज और एक तरफ भगवान खड़े। कहते उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा, परमात्मा को देखा जिसके लिए वो भटक रहा था, सामने खड़ा तो सीने से लगा दिया। कहते मनमत बहुत बीती अकेक होगी जनता, लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा और उम्र खत्म होने को हो रही, 104 साल का बुढ़ा हो रहा, तुरंत सीने से लगा लिया। अब क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी ये मान ली मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। के हे परमात्मा, आपको कैसे परमात्मा मानना या बोड़ी जनता, आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है, एक धारणक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफी इनको समझाया। जब रामानंद जी ने परमात्मा से तन मिलाया, बाकी सब उठ कर चले गए, पंडित जी तो सारे खिसक गए, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, भाई रामानंद जी का दिमाग चल गया, इसने दानक के लड़के को छू लिया, ये तो गया काम तय। अब जाओ तो जाओ, फिर परमात्मा वो प्यारी आत्मा रामानंद जी दोनों रह गए। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।